कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, दो मार्क्स। ये आपका बताया कि डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देखो, ठीक है। अब ये एक्टिविटी बताएगी, इसके अंदर इन फिगर बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो अब डायग्राम के अंदर बताएगी हम यहाँ परपेंडिकुलर कर देंगे बीपी किसको परपेंडिकुलर, एसी को। एसी उसी से होता है सीक्यू परपेंडिकुलर टू एबी, सीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये भी कर दो परपेंडिकुलर सिंबल बना दो। ए डैश पी डैश सी मतलब ये कॉलिनियर है, ए डैश पी डैश सी कॉलिनियर है। उसी तरह ए डैश टू डैश बी यानी कि ये भी बताएगी जो है कॉलिनियर है, ठीक है। अब क्या कर रहा, शो डैट ट्राइंगल ए पी बी, ए पी और बी यानी ये वाला ट्राइंगल, इधर से ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए क्यू सी ये वाला ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल और दूसरा बताएगी जो है ब्लू में बनाता हूं मैं, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है बोलो आपको सिमिलर बताना है। तो एक्टिविटी आपको इतना टेंशन नहीं, आपको दिमाग में प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, सब उसमें ही है, लेकिन क्या आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहला क्या बोला, इन ट्राइंगल एपीबी यानी ये रेड वाले ट्राइंगल में एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूसी यानी कि ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल एपीबी कितना डिग्री है, डिग्री का सिंबल दिया, वैल्यू छोड़ दिया, चलो कौन बोलेगा कितना डिग्री है, इसका मतलब क्या होता है बोलो, 90 डिग्री। तो इधर सिर्फ आपको लिखना है, इसके अंदर लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। मेरे पास तो अभी क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको पूरा लिखना है यहाँ से, एक 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 लिखना है, ठीक है, चलो ओके। फिर बोल रहा है एंगल ए क्यू सी कितना डिग्री है, देखो इधर एंगल ए क्यू सी कितना डिग्री है, ए क्यू सी मतलब ये एंगल, ठीक है, ए पी बी मतलब ये एंगल, बोलो ए क्यू सी कितना है, 90 डिग्री ना बेटा, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये भी इधर क्या आएगा 90 डिग्री। आधा मार्क्स मिल गया आपको इधर दो भरने में, ठीक है, दो मार्क्स है ना, अब ये दो भरोगे तो आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा आपको, पूरा एक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्यूसी कहां से मिला, 1 और 2 से, कुछ करो ना था। एंगल पीएबी, एंगल पीएबी मतलब ये वाला एंगल पी ए बी, और एंगल बताइए क्यूएसी, क्यूएसी मतलब क्यूएसी यानी वही एंगल, कॉमन एंगल क्या है दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है कॉमन, कॉमन। तो इधर आप लिखोगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। Therefore ट्राइंगल एपीबी यानी कि ये रेड वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए क्यू सी कैसे सिमिलर बोलो, एक एंगल मिला एक दोनों एंगल मिले, एक कॉमन एंगल मिला और एक बताएगी 90 डिग्री मिला, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, कौन सा टेस्ट बोलो, ए टेस्ट, पूरा लिखना आप ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ये आपका यहाँ पर खत्म, फिनिश, दो मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए। स्टार्ट, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये डायग्राम देख के एक्टिविटी भरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एंगल बी दिया है 75 डिग्री, इतने बड़े ट्राइंगल के अंदर, फिर छोटे ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर भी एंगल आपको डी दिया हुआ है 75 डिग्री, बी भी 75 डिग्री और डी भी 75 डिग्री, तो एंगल बी और डी के आपस में बोलो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू इधर क्या आएगा बोलो एंगल डी, और रीजन उसका दिया है तो आप यहाँ डालोगे एंगल डी, ठीक है, ईच ऑफ 75 डिग्री, खाली आपको एंगल डी लिखना है, ठीक है। उसके बाद बड़े ट्राइंगल का एंगल क्या है सी, और छोटे ट्राइंगल का एंगल क्या है सी, दोनों भी क्या है बोलो कॉमन एंगल, तो इसको बताएगी जो है आपको बड़ा लिखना है कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। ये दो हो गया आपका, दो मार्क्स के लिए आधा आधा मार्क्स हो गया। Therefore ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल दूसरा कौन सा है बोलो, ए बी सी, देखो बराबर ए से 75 पे आए, 75 से कॉमन पे गए, तो वैसे ही जाओ डी सी, अगर नाम आपने गलत लिखे, ठीक है, ई डी सी, यहाँ ट्राइंगल पहले से बना हुआ है इसलिए मैं ईडीसी लिख रहा हूँ, खाली ट्राइंगल नहीं बना हुआ रहता था ट्राइंगल ही बनाता था, तो ई डी सी मैच होना चाहिए, ए के साथ ई, 75 के साथ 75, कॉमन के साथ कॉमन मैच होना चाहिए। अच्छा कौन से टेस्ट से, इधर भी एंगल मिला इधर भी एंगल मिला, तो कौन सा टेस्ट से सिमिलर है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बस ए भी लिख दे तो बस, दैट्स ऑल। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है एरिया 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर 125, दैट कंप्लीट द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपको यहाँ वैल्यू पहले से दे दिया, एबीसी 80 है वो भी दे दिया, पीक्यूआर 125 भी दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको कैंसिलेशन करके लिखना है, 80 और 125 का जो आंसर आता है ना कैंसिलेशन करके लिखना है, तो आप कैंसिलेशन करो,
ठीक है, तो 5 के टेबल में दोनों भी जाता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16/25, तो आप यहाँ लिखो 16/25। इसके बाद अब ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें आपको अपनी तरफ से एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे इसके बाद, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बोलो अपॉन एरिया ऑफ सी क्यू आर, और फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, और इसका रीजन भी लिखो, ठीक है, क्या आएगा उसका रीजन बोलो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, इसका ये इधर रीजन लिखना है, रेशियो भेजा मैं लिखता हूँ आप लोग। ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 16/25 जो आपको इसका वैल्यू यहाँ मिला है ना, 16/25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, अभी 4/5 आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ भी लिख सकते हो या तो फिर, ठीक है, या साइड में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड, शॉर्टकट में नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, तो ए बी का हो जाएगा ए बी, ए बी स्क्वायर का ए बी हो जाएगा, और पी क्यू स्क्वायर का हो जाएगा पी क्यू, 4/5 आपको पहला दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया है, उसके बाद की चीज मिसिंग है, तो कुछ एक्टिविटी ऐसी भी आएगी इसमें आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा, ओके समझ में आया, इन्हें करेंगे तो भी मार्क्स जाएगा आपको, डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। इन फिगर पीएम ये जो परपेंडिकुलर है 10 है, तो डायग्राम में लिख देता हूँ, आप भी लिखा करो डायग्राम में 10, और बताएंगे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज 100, ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया है 100, ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया 100, लिखने की जरूरत नहीं, खाली लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज 110, ये वाला ट्राइंगल का एरिया है 110, ठीक है। देन फाइंड एनआर, एनआर मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना। अब आप एक्टिविटी नहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है, ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल दोनों का बेस क्या है, सेम है, सेम है क्यू एस, तो जब बेस सेम रहता है और ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो करस्पॉन्ड किसको करता है बोलो, हाइट को, हाइट क्या आएगा बोलो, पीएम अपॉन एनआर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू एस हैविंग द क्यू एस कॉमन बेस, पहले ही बोल दिया उसने, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हुज बेस आर कॉमन आर इन प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड, बेस कॉमन तो इधर आएगा हाइट, साइड नहीं हाइट, कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरेगा आप, हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस यानी ऊपर वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस नीचे वाला पी एम अपॉन हाइट को, तो इधर क्या है बोले, इसका पी एम अपॉन एन आर, तो इसके अंदर आएगा आपका पी एम अपॉन एन आर, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताएंगे जो है एरिया कितना दिया है, एरिया दिया हुआ है 100 लिख दिए, ये एरिया कितना 110 लिख दिए, ठीक है। तो पी एम आपको वैल्यू दिया हुआ है इधर 10 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर अभी 10 लिखोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पी एम की वैल्यू तो दिया ना बेटा 10, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, पीएम की जगह पे, यहाँ पीएम लिखे, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखे। अब आपको कैलकुलेशन करना है इसका, तो आप क्या करोगे, एनआर इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा इधर आएगा तो 110 अपॉन 100, ठीक है, एनआर उधर गया और ये पूरा इधर आया, तो ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, 11 मन जा क्या हो जाएगा 11, इधर लिखोगे 11, एक स्टेप खाली बीच में आपको इसमें बढ़ाना है, बढ़ाना है सर। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, उसी तरह डी सी, डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी भी परपेंडिकुलर बी सी है, डी सी भी परपेंडिकुलर बताइए बी सी है, ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल, पहले ऊपर का ट्राइंगल का नाम क्या, ए बी सी, ए बी सी, और नीचे का ट्राइंगल बी सी डी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है बोलो, बी सी, बेस कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग किसको करेगा, एरिया हाइट को करेगा। तो क्या दिया है आपको, ए बी कितना दिया हुआ है 6, डायग्राम में लिखो, और डी सी कितना दिया है 4, ये डायग्राम में लिखो। अब सबसे पहले सम सॉल्व करने के पहले आप बताएंगे जो सॉल्यूशन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद आप सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहला काम आपका गिवन है, गिवन आपको फ्री में मार्क्स है, तो पहला क्या बोलो, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, एक फिर उसके नीचे लिखो ये
बीसी ठीक है। उसके बाद देखो एबी इक्वल टू सिक्स डीसी इक्वल टू फोर, इस सबको कॉमन ब्रैकेट दो और लिखो बी वन ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आप सीधा ये लिखो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो नाम दिया वही लिखो डीसी डीसी ठीक है। ये ट्राइंगल सिमिलर तो है नहीं, क्या स्क्वायर करने वाले हो, स्क्वायर वाला नहीं है ना, स्क्वायर किसमें करते हैं सिमिलर ट्राइंगल। अब आप लिखोगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बल्कि आप ये लिखो ट्राइंगल हैविंग इक्वल, ये मत लिखो, आप लिखो ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट ट्राइंगल हैविंग इक्वल आपको बेस इधर लिख दो, सिक्स सिक्स अपॉन फोर टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स ठीक है। ये आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी ठीक है इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, और इसको लास्ट में बॉक्स बनाओ